दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जीभ के रंग से कैसे पहचाने बीमारी का लक्षण, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। हाँ दोस्तों देखिए, नॉर्मली होता यह है कि ना सुबह उठकर हम सभी सबसे पहले अपना चेहरा आईने में देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने टंग मतलब कि जीभ पर भी ध्यान दिया है? नहीं ना। और क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर क्यों जाँच के दौरान आपकी टंग चेक करते हैं? नहीं ना, ये भी नहीं जानते ना। तो देखिए दोस्तों, ऐसा करने की बड़ी वजह होती है क्योंकि आपकी जीभ का आपके पूरे शरीर पर असर पड़ता है। आपकी जो टंग होती है वह ना सिर्फ आपको स्वाद का आभास कराती है बल्कि आपके शरीर की स्थितियों को भी बताती है। आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपकी शारीरिक आंतरिक गतिविधियां सही है या नहीं है, और शारीरिक अस्वस्थता के संकेत देने का भी काम ये जीभ करती है। तो ऐसे में आपकी जीभ के रंग से लेकर टेक्चर तक बताता है कि दोस्तों आपको कोई बीमारी है या फिर विटामिन्स की कमी है, ये सभी बताती हैं। जी हाँ, ऐसे में टंग के रंग के आधार पर आप भी जान सकते हैं कि आपकी सेहत ठीक है या नहीं है। कई बार ना दोस्तों होता यही कि जो हमारी टंग होती है उसका रंग जो है ना लाल या फिर काला हो जाता है या फिर दूसरे कलर्स का दिखाई देने लगता है, लेकिन अगर आपकी जीभ का रंग भी ज़्यादा समय के लिए बदल जाए और चेंज नहीं हो रहा है, नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो समझिए कि आपके शरीर में भी कोई प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बता रहे हैं जिसके ना जीभ के रंग और उसमें होने वाली परेशानी के बारे में आपको कौन सी बीमारी हुई है इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं जीभ के रंग से कैसे जाने सेहत का राज। सबसे पहले कलर की जीभ है दोस्तों गहरे लाल रंग की जीभ। जी हाँ देखिए, एनीमिया, लाल बुखार और साथ ही साथ अंदरूनी चोट या फिर इन्फेक्शन मतलब कि संक्रमण की वजह से जीभ का जो रंग होता है ना वो गहरे लाल कलर का हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये विटामिन B12 की कमी का भी संकेत होता है। वहीं अगर जीभ का निचला हिस्सा जो है गहरे लाल रंग का हो जाए तो समझ लें कि दोस्तों आंतों में गर्मी बढ़ गई है। और दूसरी कलर की जीभ है दोस्तों जीभ पर जमी हुई पीली परत का होना। जी हाँ, दरअसल जीभ पर जमी हुई पीली गाढ़ी परत जो इस बात की ओर इशारा करती है कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा लीवर या फिर मुंह में बैक्टीरिया ज्यादा होने की वजह से भी ना जीभ पर जो है ना पीली परत जम जाती है। इसकी वजह से मुंह से बदबू आती है, थकावट होती है, बुखार हो जाती है, और फिर अगर ये कोटिंग पीले रंग की है और हल्की मोटी भी है तो दोस्तों ये यीस्ट इन्फेक्शन का भी साइन होता है। और ना दोस्तों तीसरे रंग की जो जीभ होती है वो होती है ब्राउन रंग की। जी हाँ, अधिक कैफीन पीने से, चाय पीने से, धूम्रपान या फिर शराब की वजह से ना जीभ जो है भूरी रंग की हो जाती है। हालांकि इसे नज़रअंदाज करने की बजाय आप जो डॉक्टर से मिले और जो कैफीन और धूम्रपान शराब है उसे ज़्यादा पीना अवॉइड कीजिएगा। और ना दोस्तों जीभ पर सफ़ेद छाले हो रहे हैं तो ये आपके पेट की गड़बड़ी का संकेत होता है। दरअसल देखिए, हमारी जबान का सीधा संबंध ना हमारे पेट से होता है। पाचन में गड़बड़ी होने पर कई बार जीभ पर ना लाल और साथ ही सफ़ेद छाले हो जाते हैं। कभी गलती से भी जीभ कट जाने से या फिर रूखा या तीखा भोजन लेने की वजह से भी ना मुँह में छाले पड़ जाते हैं। इसे इग्नोर ना करें क्योंकि दोस्तों हफ्ते से ज़्यादा अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं ज़ुबान पर तो ये अल्सर का रूप भी ले सकते हैं, और बेवजह छाले निकलते हैं तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का भी संकेत होता है। तो इसीलिए अगर आपके जीभ पर छाले पड़ गए हैं तो नज़रअंदाज मत कीजिए, डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जीभ पर काले धब्बे पड़ना भी शरीर में जो है खून की कमी के अलावा डायबिटीज़ की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा मुंह में बैक्टीरिया ज़्यादा होने की वजह से भी ना जीभ पर जो है काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, तंबाकू सुपारी खाने वालों की जीभ में भी ना अक्सर सफ़ेद स्पॉट्स हो जाते हैं। कई बार ना दोस्तों ज़्यादा तला भुना खाने की वजह से भी एसिड की मात्रा बढ़ने से भी ये प्रॉब्लम आपको होती है, और यदि 1 से 2 हफ्ते में ये जाए नहीं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जीभ का ऊपरी हिस्सा जो होता है ना हल्का सा खुरदुरा होता है जो नॉर्मली हेल्दी ज़ुबान होती है उसमें, लेकिन यदि ये एकदम चिकना है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो ये विटामिन्स की कमी का लक्षण होता है। ये प्रॉब्लम शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण होती हैं। इसीलिए इस प्रॉब्लम को भी और जीभ का ज़्यादा चिकना होने को भी जो है आप गंभीरता से लीजिएगा।
और देखिए दोस्तों, होता यह है कि ना दवाओं का साइड इफेक्ट होता है तो जीभ जो है ना बैंगनी या फिर नीले रंग की हो जाती है। जी हाँ, अगर जीभ का रंग ऐसा होता है तो ये विटामिन B2 की कमी, आपके शरीर में दर्द मतलब कि बॉडी पेन्स और सूजन का संकेत है। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी का भी संकेत होता है। इसीलिए अगर आप में भी जो है जो आपकी ज़ुबान होती है वो बैंगनी या फिर नीले रंग की हो गई है तो ऐसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, जीभ में ना छोटे छोटे से दरार जैसे निशान दिखाई दें तो समझ लें कि ना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हुई है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट कीजिए और इलाज करवाइएगा। और होता यह है कि ना दोस्तों, अगर आपकी जीभ पर सफ़ेद रंग की मोटी परत है तो ये ख़राब पाचन और एसिडिटी का संकेत होता है। ये जो है ना वायरल इन्फेक्शन का भी इशारा होता है। जीभ पर सफ़ेद रंग की हल्की परत तो ठीक है, लेकिन मोटी परत रोग की निशानी होती है। ऐसा तब होता है जब आप अपनी जीभ की सफाई ठीक से नहीं करते हैं तो इसकी वजह से सांसों में बदबू पैदा हो सकती है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और ना दोस्तों, जब आपकी जीभ जो है बहुत शुष्क हो जाती है मतलब ड्राई हो जाती है तो ऐसा अधिक तनाव या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। लार ग्रांथियाँ जो होती हैं सलाइवरी ग्लाइंस के सूजन के कारण भी ये समस्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर ये समस्या लंबे समय से है ना तो ये इम्यूनोलॉजिकल समस्या के कारण भी होता है। तो इसीलिए आप ड्राई टंग को भी जो है हल्के में मत लीजिए, डॉक्टर से आप जो अपना इलाज करवाएं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्मोकिंग की वजह से ना आपको सोर टंग की प्रॉब्लम हो सकती है? जी हाँ, जब शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है ना तो सोर टंग की दिक्कत शुरू हो जाती है। इसकी वजह से फिर शरीर में अल्सर या फिर कोलाइटिस भी हो सकता है। इसीलिए आप सोर टंग को भी जो है नज़रअंदाज मत कीजिए और हो सके तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए। और ना दोस्तों, देखिए जब आप गलत टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना तो इन दोनों की वजह से भी आपकी जो जीभ होती है उसमें आपको बर्निंग सेंसेशन भी फील होता है। ऐसे में कभी कभी ये टूथपेस्ट में पाए जाने वाले कुछ तत्वों की वजह से होता है। तो कई बार मेनोपॉज वाली महिलाओं में भी हार्मोनल बदलाव की वजह से ना जीभ में जो है बर्निंग सेंसेशन की समस्या हो सकती है। तो इसके लिए भी आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना है कि अलग अलग तरह के जो जीभ के रंग होते हैं वो कौन सी बीमारी का लक्षण देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी जो नॉर्मल जीभ होती है उसका रंग कैसा होना चाहिए। सामान्य तौर पर ना दोस्तों, जीभ का रंग जो है हल्का गुलाबी होता है। और ना दोस्तों, इस पर जो है लाइट वाइट कोटिंग होना भी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन होती है। नॉर्मल जीभ का टेक्सचर थोड़ा सा धुंधला होता है। और अगर आपकी जीभ भी ऐसी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अगली बार जब कभी भी आप आईने में अपना फेस देखें तो इसके साथ साथ अपनी जीभ देखना बिल्कुल मत भूलिए। और अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हमेशा हेल्दी और फिट बने रहिए।